आज के इस वीडियो में मैं आपको एडोब फोटोशॉप के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स बताने वाला हूँ। अगर आप नियर फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं फोटोशॉप के लिए, तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए और आप एग्ज़ाम देने जाइए एंड आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, सो लेट्स सी वो टॉप 50 क्वेश्चंस कौन से हैं। जैसे इन फोटोशॉप डैश टूल इज़ यूज टू मेक स्ट्रेट एज सिलेक्शन। फोटोशॉप के अंदर अगर हमें स्ट्रेट एज सिलेक्शन बनाना है तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, पॉलीगन लैचो के थ्रू हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट सिलेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं। इन फोटोशॉप कंट्रोल आर यूज फॉर, फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल आर किस लिए यूज़ किया जाता है, रूलर्स के लिए। रूलर से हमारा फिर गाइडलाइन यूज होती है। ओके, टू गेट डीसेचुरेट ऑप्शंस इन फोटोशॉप वी हैव टू गो टू। अगर हमें फोटोशॉप के अंदर डीसेचुरेट ऑप्शन यूज करना तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, इमेज के अंदर एडजस्टमेंट। ओके, तो इमेज के अंदर जाना है और वहां पे एडजस्टमेंट के अंदर आपका ये ऑप्शन मिलेगा डीसेचुरेट। डैश एडजस्ट द विड्थ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू करेक्टर इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट इन फोटोशॉप। यानी फोटोशॉप के अंदर अगर हमें दो यानी कि टेक्स्ट के बीच का हमें स्पेस एडजस्ट करना है। ओके, यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे करेक्टर्स है, यानी कि अल्फाबेट के बीच का स्पेस, यानी अल्फाबेट है, करेक्टर्स है, उनके बीच का स्पेस आपको बढ़ाना है या कम करना है, तो किससे, लीडिंग से, कर्निंग से, ट्रैकिंग से, क्लोनिंग से। तो वो होता है आपका कर्निंग। यानी कर्निंग से हम क्या कर सकते हैं, उसके दो लेटर के बीच का जो स्पेस होता है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन कर्निंग में ध्यान रखना सिर्फ उसे दो लेटर के बीच का ही स्पेस बढ़ेगा। अगर हमें दो से ज़्यादा लेटर्स के बीच का स्पेस बढ़ाना है तो ट्रैकिंग होता है। डैश की इज यूज्ड मर्ज लेयर इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर अगर हमें लेयर्स को मर्ज करना है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, कंट्रोल प्लस ई। ओके, कंट्रोल प्लस ई से हम फोटोशॉप के अंदर लेयर्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं। व्हेन रिमूविंग अ फिगर फ्रॉम अ बैकग्राउंड इन फोटोशॉप द फॉलोइंग टेक्निक विल असिस्ट इन अल्टरिंग द सेलेक्शन एज टू मेक इन अपीयर लेस आर्टिफिशियल। मतलब अगर हमें हमें किसी भी बैकग्राउंड को लाइक सिलेक्शन बनाना है तो वो किस टेक्निक से हम उसका जो एज होता है वो हम बिल्कुल सॉफ्ट बना सकते हैं और वो कम से कम आर्टिफिशियल लगेगा, तो कौन सा ऑप्शन होता है, फैदर। यानी फैदर की मदद से हम उसको सॉफ्ट सिलेक्शन के साथ में हम उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं भी बैकग्राउंड के अंदर। द शॉर्टकट की ऑफ फैदर इज ऑल्ट कंट्रोल एफ। यानी अगर हमें फैदर यूज़ करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या ऑल्ट कंट्रोल एफ है, फोर्स, ये नहीं है, शिफ्ट F6 होता है इसका, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स रहेगा। द डैश फिल्टर इज यूज फॉर एडिंग और रिड्यूसिंग नॉइज एंड गेन इन फोटोग्राफ्स। यानी अगर हमें किसी फोटो के अंदर कोई नॉइज ऐड करना है, ठीक है, या ऐड करने के बाद उसको रिड्यूस करना है, तो वो हम किस ऑप्शंस के थ्रू करते हैं, नॉइज। तो नॉइज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ग्राफिक्स में, फोटोज में, शेप्स में हम नॉइज ऐड कर सकते हैं। इन फोटोशॉप डैश टूल इज यूज टू इरेज पिक्सल फ्रॉम सिमिलर कलर्ड एरिया। यानी अगर फोटोशॉप में हमें सिमिलर कलर इमेज को, पार्ट को डिलीट करना है, इरेज करना है, तो इसमें से हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, काफ़ी ईजी है, मैजिक इरेजर। ठीक है, मैजिक इरेजर क्या फ़ायदा होता है, सिंगल क्लिक पे एक ही बार में, इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। यानी सिंगल क्लिक पे क्या होगा, एक ही बार में सारा डाटा आपका जो जिस कलर पे क्लिक है, लाइक आपने रेड कलर पे क्लिक किया है, लाइक मैं यहाँ रेड पे क्लिक करूँगा तो पूरा रेड कलर एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। इन फोटोशॉप F7 इज यूज फॉर। फोटोशॉप के अंदर F7 किसके लिए यूज किया जाता है, लेयर के लिए। ओके, तो लेयर से, लेयर किससे आती है, F7 से। फोटोशॉप वॉज इन्वेंटेड बाय, फोटोशॉप को किसने इन्वेंट किया है, तो इसमें है थॉमस एंड जॉन नॉल, ये दोनों अमेरिकन ब्रदर हैं, इन्होंने जो है इन्वेंटेड किया है फोटोशॉप को। इन फोटोशॉप कंट्रोल एम यूज फॉर। फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल एम जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, कर्व्स के लिए। ओके, तो कर्व के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कर्व के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल एम। ठीक है, तो कंट्रोल एम से कर्व आएगा। फोटोशॉप इज अ डैश ग्राफिक सॉफ्टवेयर। यानी फोटोशॉप जो है इनमें से कौन सा ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, वेक्टर है, पिक्सल है, बिटमैप है, या नन ऑफ दीज है। तो फोटोशॉप जो है वो क्या है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। द टूल डैट लेट्स यू सेलेक्ट एन एरिया ऑफ एन इमेज एंड देन पेंट विथ डेट एरिया इज कॉल्ड। यानी अगर हमें फोटोशॉप के अंदर किसी भी एरिया को कॉपी करके हमें सेम पेंट करना है तो हम कौन से यूज़ करते हैं, पैच टूल। पैच टूल के थ्रू हम किसी भी एरिया को उठा करके सेम जगह पे उसको पेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इन फोटोशॉप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट बी। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस बी से जो है क्या होता है, अगर हम ये प्रेस करेंगे फोटोशॉप में
तो इससे क्या आएगा, इससे ब्लैक एंड वाइट होगा। ओके, अगर आप एक बार में कंट्रोल से ऑल्ट बी करते हैं तो आपकी जो पिक्चर है, ग्राफिक्स है, वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्की टूल आर देयर इन फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर मार्की टूल कितने टाइप्स के हैं, तो इसमें ध्यान रखना है जो आपके सी एस के वर्जन्स थे, सी एस के, तो सी एस में जो है उसमें फोर हैं। ओके, एक है आपका इलिप्टिकल मार्क्यू, पॉलीगन मार्क्यू, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, ठीक है। लेकिन अगर हम सी सी में आते हैं, ठीक है, सी सी में यानी क्रिएटिव क्लाउड में, तो क्रिएटिव क्लाउड्स में, तो उसमें जो मार्क्यू टूल है वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं। तो ये जो सी सी है यानी कि सी सी वर्जन में, तो ये ध्यान रखना है सी सी वर्जन के अंदर यानी क्रिएटिव क्लाउड के अंदर जो मार्क्यू टूल्स हैं वो कितने हैं, टू हैं। ओके, शॉर्टकट टू चेंज द स्क्रीन मोड इन फोटोशॉप, अगर हमें फोटोशॉप में मोड चेंज करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है, एफ़, यानी एफ से हम फोटोशॉप का मोड चेंज कर सकते हैं। लाइक उसमें मोड में ये होता है आपका कि उसमें आपका एक टास्क बार के साथ में दिखेगा, एक आपका फुल स्क्रीन दिखेगा, ओके, और एक नॉर्मल जैसे दिखता है वो, तो उसके तीन व्यूज होते हैं बेसिकली। इन फोटोशॉप डैश टूल इज यूज टू मेक स्ट्रेट एज सेलेक्शन, अगर हमें स्ट्रेट एज सेलेक्शन बनाना है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, पॉलीगन लैसो, ठीक है, पॉलीगन लैसो बिल्कुल आप स्ट्रेट सेलेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। विच इज द कॉमन लेयर टू ऑल द फाइल्स इन फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप के अंदर हमारी जो एक कॉमन लेयर होती है, कॉमन फाइल होती है, उसको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो होती है वो आपकी क्या होती है, वो एक कॉमन लेयर होती है, ओके, जिसको हम ऐसा बैकग्राउंड भी बोलते हैं। इन फोटोशॉप डैश टूल इज यूज टू डार्कन पिक्सल इन एन इमेज, यानी फोटोशॉप के अंदर हमें इमेज के पिक्सल्स को डार्क करना है तो वो किस टूल से करते हैं, बर्न टूल से, ठीक है। तो बर्न टूल से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इमेज को डार्क कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रश। द डैश टूल अलाव यू टू कॉपी वन एरिया ऑफ द लेयर टू अनदर एरिया ऑफ द लेयर फोटोशॉप, यानी अगर हमें फोटोशॉप के अंदर एक एरिया को कॉपी करके दूसरे एरिया पे हमें यूज़ करना है, पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल, यानी क्लोन स्टैम्प टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यानी कॉपी वन एरिया टू द अनदर एरिया, यानी सेम पार्ट को कॉपी करके हम दूसरे एरिया पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। इन फोटोशॉप डैश टूल इज़ यूज टू पेंट और एन इमेज विद डिज़ायर्ड पैटर्न, यानी फोटोशॉप के अंदर हम कौन से टूल से यानी पेंट कर सकते हैं उसके डिज़ायर्ड पैटर्न को, यानी जिसमें कि पैटर्न्स होते हैं। तो पैटर्न के लिए हमारा होता है पैटर्न स्टैम्प टूल, यानी पैटर्न स्टैम्प टूल की मदद से आप जो है किसी भी एरिया में, इमेज में, शेप में, सिलेक्शंस में जो है पैटर्न्स फिल कर सकते हैं। GIF स्टैंड फॉर, GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, GIF की स्टैंड क्या है, तो GIF का होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अ न्यू लेयर कैन बी क्रिएटेड बाय प्रेसिंग, अगर हमें न्यू लेयर क्रिएट करना है फोटोशॉप में तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एन, तो शिफ्ट कंट्रोल एन से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं अ न्यू लेयर, ओके। डैश टूल इज अ बेस्ट सेलेक्टेड व्हेन यू नीड टू सेलेक्ट एन अबनॉर्मली शेप्ड इमेज इन अ लेयर, यानी अगर हमें इमेज के अंदर से कोई भी एबनॉर्मल शेप है वो सेलेक्ट करना, लाइक वो ना तो सर्कल है, ना वो स्क्वायर है, ना वो स्टार है, तो हम उसके किस टूल की मदद से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लासो, यानी लासो टूल की मदद से आप किसी भी अबनॉर्मल शेप को जनरली सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द डैश टूल सेलेक्ट एरिया ऑफ सिमिलर कलर इन फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर सिमिलर कलर के पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सा टूल यूज करना होता है, इट्स वेरी सिंपल, मैजिक वॉन्ड। तो मैजिक वॉन्ड से क्या होता है, आप सिंगल क्लिक पे सेम कलर के पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लस आप कलर की रेंज भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। विच कमांड सेलेक्ट्स आर स्पेसिफाइड कलर और कलर सबसेट विद एन एग्जिस्टिंग सेलेक्शन और एन एंटायर इमेज, मतलब अगर हमें, हाँ, यानी ऐसी कौन सी कमांड है जिससे आप स्पेसिफिक कलर या फिर कलर के आप सबसेट्स भी बना सकते हैं उसी एग्जिस्टिंग सिलेक्शंस के अंदर, तो कौन सा टूल है जिसके अंदर आप कर सकते हैं, कलर रेंज, यानी कलर रेंज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसी के अंदर मल्टीपल कलर्स जो है वो बना सकते हैं। द डैश इज यूज टू ट्रिम इमेज फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर हमें ट्रिम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, क्रॉप, यानी क्रॉप की मदद से आप इमेज का पर्टिकुलर पार्ट जो है हटा सकते हैं। To resize a graphic in a layer, select the dash tool, then check mark dash to see selection handle Photoshop. यानी अगर हमें किसी भी लेयर को लाइक रीसाइज करना है, ठीक है, उसके ग्राफिक को
रीसाइज करना है, तो सेलेक्ट द डैश टूल, पहले क्या टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें कौन सा मार्क यानी फर्स्ट स्टेप है, कौन सा टूल यानी कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, उसके बाद हमें उसको कौन से मार्क को यूज़ करना होता है। तो क्या होता है वो आपका मूव शो एंड बाउंडिंग बॉक्स, यानी पहले आपको मूव यूज़ करना होगा, ठीक है, उसके बाद फिर आपका शो बाउंडिंग बॉक्स आ जाएगा, उसकी मदद से आप जो उसको रीसाइज कर सकते हैं। ओके, द डैश लाइटेंस पार्ट्स ऑफ एन इमेज फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर पार्ट को लाइट करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, डोज, यानी डोज से हम क्या कर सकते हैं, उस पार्ट को लाइट कर सकते हैं। हाउ मैनी मैक्सिमम स्टेप्स वी कैन अनडू इन फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर कितने अनडू हम बैग यानी उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है अनडू की वो कितनी होती है, 1000, ठीक है, लेकिन बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में जो सेट होता है यानी कि मिनिमम जो सेट होता है वो 20 होता है, 20 होता है, आप उससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं, 1000 तक आप बढ़ा सकते हैं। विच आर द प्राइमरी कलर्स, इनमें से कौन से कलर्स हैं जो कि प्राइमरी कलर्स में काउंट होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इट्स अ प्राइमरी कलर। फुल फॉर्म ऑफ DPI फोटोशॉप, फोटोशॉप में DPI की फुल फॉर्म क्या है, डॉट्स पर इंच। ओके, तो डॉट पर इंच जो होता है ये DPI यानी फोटोशॉप में DPI की फुल फॉर्म है। वट इज़ द मीनिंग ऑफ CMYK, CMYK का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका, होता है सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक, तो सियान मजेंटा येलो ब्लैक, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विच कलर मोड इज यूज फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के लिए हम कौन सा कलर मोड यूज करते हैं, CMYK, ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए CMYK मोड यूज होता है। When did Photoshop start? Photoshop जो है कब स्टार्ट हुआ है, 19 February 1919 में Photoshop को स्टार्ट किया गया है, यानी तब से ये स्टार्ट होता है, तब से ये शुरू हुआ है। फोटोशॉप इज यूज फॉर, फोटोशॉप जनरली किसके लिए यूज होता है, टाइपिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक या एनिमेशन या प्रोग्रामिंग, तो वो किसके लिए यूज होता है, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के लिए। ओके, विच कमांड चेंजेस द ओवरऑल मिक्सचर ऑफ कलर इन एन इमेज फॉर जनरलाइज कलर करेक्शन, यानी अगर हमें किसी इमेज के अंदर कलर मिक्स करना है, कलर करेक्शन करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, कलर बैलेंस, ठीक है, तो ओवरऑल मिक्सचर के लिए, किसके, कलर्स के लिए क्या यूज करते हैं, कलर बैलेंस। इन अ ग्रे स्केल इमेज वी गेट अ मैक्सिमम ऑफ डैश शेड ऑफ कलर, यानी ग्रे स्केल के अंदर मैक्सिमम कितने शेड्स होते हैं, कितने शेड्स अवेलेबल हैं, 256। ओके, वट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ओपन इमेज इन फोटोशॉप, फोटोशॉप के अंदर इमेज को ओपन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, Ctrl+O, Ctrl+0 नहीं होगा, Ctrl+O होगा। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ टिफ इज, यानी टिफ की फुल फॉर्म क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, तो क्या है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इन फोटोशॉप यानी फोटोशॉप में अगर हम रेड वैल्यू 0 देते हैं, ग्रीन वैल्यू 0 देते हैं, ब्लू वैल्यू 0 देते हैं, सो डैश आउटपुट इज प्योर ब्लैक, तो क्या जो आउटपुट है वो ब्लैक आएगा, फॉल्स, यानी तीनों वैल्यू देने पर जो है आपका ब्लैक नहीं आएगा, वो वाइट आएगा, ठीक है। अगर हम इनको तीनों को फुल वैल्यू कर दें, लाइक 255, 255, 255, तो फिर आपका ये ब्लैक आएगा। वी कैन नॉट सेव एनी सिलेक्शन इन फोटोशॉप, क्या हम फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन को सेव नहीं कर सकते हैं, फॉल्स, कर सकते हैं, सिलेक्शन को सेव करने का ऑप्शन आता है। इफ रेड कलर 250, 255, ग्रीन कलर 0, ब्लू कलर 0, द कलर विल बी द ब्लैक फोटोशॉप, यानी अगर आप रेड कलर इतना ऐड करते हैं, ग्रीन 0 है, ब्लू 0, तो क्या जो है वो ब्लैक कलर आउटपुट आएगा उसका, नहीं, फॉल्स, उसका जो है रेड कलर ही आएगा, क्योंकि रेड के शेड्स क्या है यहाँ पे, रेड के 255 शेड्स हैं, तो इसलिए क्या बनेगा, वो रेड ही बनेगा, सो दैट्स व्हाई फॉल्स आएगा, यहाँ पे ब्लैक बोला गया है। JPEG स्टैनफोर्ड, JPEG की फुल फॉर्म क्या है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो इसकी फुल फॉर्म है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी चैनल्स इंडेक्स्ड कलर इमेज आर देयर इन फोटोशॉप, यानी फोटोशॉप के अंदर जो होता है टोटल कितने चैनल्स हैं उसके, ठीक है, तो उसमें जो है एक ही चैनल्स होता है फोटोशॉप में। द कीबोर्ड शॉर्टकट ऑफ स्वैप फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, यानी अगर हमें फोटोशॉप में कलर्स को फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में ट्रांसफर करना है और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड में ट्रांसफर करना है, तो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, एक्स यूज किया जाता है। द कीबोर्ड शॉर्टकट डिफॉल्ट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर इज, यानी बाय डिफॉल्ट अगर हमें फोटोशॉप में फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर का जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो लाना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, डी। द रेंज ऑफ फैदर इज, यानी जो फैदर हम यूज करते हैं, तो फैदर में हम मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, तो उसमें हमारा मिनिमम होता है 0.2
और मैक्सिमम 255 तक हम उसमें फैदर की वैल्यू ले सकते हैं, इससे ना तो ज़्यादा होगा ना ही इससे कम होगा। वट इज़ द एक्सटेंशन नेम ऑफ फोटोशॉप, तो फोटोशॉप में एक्सटेंशन नेम क्या है, .psd, यानी जिसका जो इसका एक फाइल फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हमारे सारे PSD फाइल्स सेव होती हैं। ओके, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे भी शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियोस का जो अपडेट है वो मिलता रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।